कंपनी लंबे समय से नॉर्ड 2 के एक सक्सेसर के रूप में नॉर्ड 2 के सक्सेसर नॉर्ड 3 के लॉन्च पर काम कर रही है। लेकिन एक और नॉर्ड स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च किया जा सकता है, जो कि वन प्लस नॉर्ड CE 3 हो सकता है। इस वाले फ़ोन के काफ़ी टाइम से बहुत सारे लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ही जल्दी ये वाला स्मार्टफोन हमारे बीच में पॉसिबली हो सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकल के सामने आए, लेकिन इसकी एक आज लाइव इमेज निकल के सामने आ गई, जिससे ये अंदाज़ा कंफर्म हो चुका है कि ये वाला फ़ोन हमारे हाथ में बहुत जल्दी होगा। हालांकि वन प्लस के आने वाले अपकमिंग नॉर्ड CE 3 के कुछ स्पेसिफिकेशंस कहें या फिर लीक्स कहें, बहुत ही टाइम से निकल के सामने आ रही। इस वाले फ़ोन के बारे में मैंने एक वीडियो में पूरी डिटेल से इसके रेंडर्स के बारे में आपसे बात की थी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि संभवतः ऐसा ये फ़ोन हो सकता है और इस प्राइस रेंज के साथ आ सकता है। वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा कहीं कार्ट में। लेकिन आज इस वाले फ़ोन की कुछ और डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, जिससे ये उम्मीदें थोड़ी सी कंफर्म हो चुकी हैं कि वाला स्मार्टफोन जल्दी मिलेगा। एक नए लीक में वन प्लस नॉर्ड CE 3 5G के कुछ स्पेसिफिकेशंस लाइव आए हैं, निकल के सामने आई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन संभवतः आप एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लेना, और साथ के साथ इस वाले फ़ोन के बारे में भी बात करते हैं कि क्या कैसा हो सकता है फ़ोन या फिर कैसी इसके डिज़ाइन वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि इस वाले जो लीक्स निकले उसमें से इस वाले फ़ोन के डिज़ाइंस के बारे में आपसे बात करूंगा कि संभवतः ये होगी। तो वन प्लस नॉर्ड CE 3 इंडिया के साथ अदर मार्केट में एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पे लॉन्च किया जा सकता है। अगर बात की जाए फ़ोन की लाइव इमेज जो ऑनलाइन लीक हुई है, उसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन की जो लाइव इमेज लीक हुई है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, लेकिन दो बड़े बड़े सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऊपर वाले सर्कुलर की बात की जाए तो उसमें एक सेंसर होगा, अगर नीचे वाले सर्कुलर की बात की जाए तो उस वाले में हमें दो सेंसर देखने को मिलेंगे, साथ के साथ हमें बगल पे ही एक LED फ्लैश मॉड्यूल भी दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए लाइव इमेज के बारे में तो ऐसा लगता है कि फ़ोन एक फ्लैट फ्रेम डिज़ाइन के साथ है, लेकिन अगर रियर पैनल पर थोड़ा सा अगर ध्यान देखा जाए तो एक कर्व की तरह समझ में आ रहा है। अगर लाइव इमेज के बारे में बात की जाए तो फ़ोन का एक ना ब्लैक कलर वेरियंट आप देख रहे हो, साथ के साथ ये भी देखा जा सकता है कि इस वाले फ़ोन में एक ग्लॉसी बैक भी है, तो संभवतः इस वाले फ़ोन का जो फ्रेम होगा वो प्लास्टिक का होगा और इसका जो बैक होगा वो थोड़ा सा ग्लॉसी नज़र आ रहा है। लीक इमेज के बारे में बात की रहा हूँ, और ये भी अगर लीक इमेज को ध्यान से देखा जाए तो एक रियल की तरह फील हो रही है, क्योंकि ये अपडेट आरएम की तरफ से निकल के सामने आई है, मतलब आरएम एक लीकर से उनके द्वारा ये इमेज लीक की गई है, जिसमें से ये संभवतः कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब फ़ोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि आने वाला जो वन प्लस नॉर्ड CE 3 है, उसका जो कोड नेम इंडिया में रखा गया है वो लैरी रखा गया है, और एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि वन प्लस इंडिया में इस वाले फ़ोन की जो इंटरनल टेस्टिंग वो फिलहाल काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है, और अभी हाल ही में इसकी इमेज लीक निकल के सामने आ गई, तो इससे कंफर्म हो चुका है कि इस वाले फ़ोन के लॉन्च डेट ज़्यादा दूर नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यार पॉसिबली यही है कि जुलाई तक इस वाले फ़ोन के बारे में पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। हालांकि अभी दूर है दिल्ली दूर है, नहीं फ़ोन की लॉन्च डेट दूर है, पता चल जाएगा क्या हो सकता है। मतलब एक्सपेक्टेशन ये मेरी कि अभी मार्च में ही लॉन्च कर देंगे, वन प्लस वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं। अगर बारे में बात की जाए तो फ़ोन के कुछ डिज़ाइन और रेंडर का कुछ टाइम पहले भी लीक हुए हैं। फ़ोन के बारे में बात की जाए तो फ़ोन एक फ्लैट स्क्रीन के साथ लॉन्च होगा, जो कि पीछे का बैक इसमें कर्वी शेप में दिखा जाएगा। साथ के साथ अगर बात की जाए तो इसके टॉप सेंटर में एक पंच होल कट भी हमें देखने को मिलेगा, जो इसके डिज़ाइन में दिखता। बाकी अगर बेजल्स की बात की जाए तो चिन थोड़ी सी मोटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसकी वॉल्यूम बटन के बारे में ध्यान दी जाए तो ये बेसिकली बाईं ओर दिखा रहे हैं। अगर पावर बटन के बारे में बात की जाए, जिसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, वो हमें दाईं ओर नज़र आ रहा है। तो मतलब ये फ़ोन का एक ओवरऑल लुक है, जो कि काफ़ी टाइम पहले इसके रेंडर्स
लीक किए गए थे ऑन लीक्स, और तो इससे पता चलता है इस वाले फोन का जो लुक्स होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए नॉर्ड सी 3 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन की एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी निराशापूर्वक हो सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा सा होमलोड की जा सकते हैं। बाकी माइक्रो एंड डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 108 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी सेंसर होगा। सोर्सेस ये भी बताया जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में एक 5000mAh की बैटरी होगी, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। बाकी इस वाले फ़ोन को पावर देने के लिए, यानी इसका दिल दिमाग धड़कन कुछ भी कह सकता है, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा वो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। हालांकि मिड रेंज स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 25,000 की प्राइस के साथ ये लॉन्च होगा। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि इसका एक अपर वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज होगा। प्राइसिंग की बारे में बात की जाए तो आई गेस मैंने कहा ना कि मिड रेंज स्मार्टफोन के टैग के साथ आएगा, लेकिन 25,000 की प्राइस समथिंग इसकी आप लेके ही चलो। बाकी आप लोग के क्या विचार इस वाले फ़ोन के लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें ज़रूर लिख के बता देना। बाकी ओवरऑल अगर सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज की रिलीज डेट के बारे में जानना चाहते हो तो वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर मार देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।